गाइस तो मैं आपका चेंज जैक्सन एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। गाइस आपने कल का ब्लॉग देख लिया हो, नहीं देखा हो मैं भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जरूर देखना क्योंकि आगे ब्लॉग छूट जाएगा तो इस ब्लॉग आपको समझ में नहीं आएगा, तो आगे ब्लॉग जरूर देखें। तो अभी हम जा रहे हैं द्वारकाधीश पे, पूरी वीडियो जरूर देखें गाइस। अभी चलते हैं सीधे द्वारकाधीश मंदिर। गाइस अभी हम आ चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर, तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पर, जो द्वारकाधीश के राजा हैं वहाँ का, यहाँ का मेन मंदिर है, तो आपको दिखाते हैं द्वारकाधीश का मंदिर। चलिए गाइस चलिए चलिए। चलते हैं अंदर की तरफ मंदिर के, यहाँ पे हम लोगों ने अतिथि मंदिर जमा कर दिए हैं, बाहर से काफ़ी सुंदर है, अंदर से देखते हैं कैसा है। आ गए हैं अंदर, सीढ़ियाँ हैं, कुछ ऐसा प्रांगण है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर प्रांगण है, बहुत सुंदर गाइस। यहाँ पर सीधे सामने मूर्ति है द्वारकाधीश जी की, हमारे जो यहाँ के राजा हैं, आपको दिखाते हैं पूरे सिनेमेटिक शॉट्स। अभी पट खुलने का थोड़ा समय था 5 मिनट का, तो हम थोड़ा सा यहीं से अभी मंदिर के अंदर बैठ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे ऊपर की खूबसूरती कितना सुंदर लग रहा है गाइस, यहाँ पर बहुत सुंदर माहौल है, अच्छी अच्छी ट्यून्स आ रही हैं हमारे सुर तक, बहुत सुंदर आवाज़ें आ रही हैं भगवान की वाली, जो बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान की है, ये ब्लॉग में देखते रहिए। कर लिए हैं पूरे द्वारकाधीश के दर्शन। तो गाइस जैसे द्वारकाधीश मंदिर से निकलेंगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर मार्केट भी है, यहाँ पर भगवान जीयों के पोशाक वगैरह, आपको सर्दियों के कपड़े, भगवान जीयों के सर्दियों के कपड़े, हर पोशाक मिल जाएंगे, बनारसी साड़ी वगैरह पूरे सीरीज में आपको मिल जाएगी, सुंदर सुंदर आप देख पा रहे होंगे कितने सुंदर सुंदर वस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ थोक विक्रेता भी हैं, यहाँ बहुत सुंदर साड़ियाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कारीगरी पूरी, अगर देखेंगे बिल्डिंग पुराने ज़माने के लोगों को बना रखी है, अभी तक उन्होंने संभाल के रखी है, बहुत सुंदर कारीगरी है गाइस, आप देख पा रहे होंगे पूरे बहुत सुंदर है। ये 1991 की है, 1901 में बना था ये, देखिए गाइस कितना बढ़िया है ये मार्केट। चलते हैं अभी गाइस सीधा वृंदावन। हाँ गाइस तो हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, यहाँ का प्राचीन टेम्पल है, जहाँ का अंग्रेज मंदिर कहा जाता है, बहुत अच्छा मंदिर लगता है गाइस, आपको दिखाते हैं पूरा इस्कॉन टेम्पल। चलिए गाइस
गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली इस्कॉन टेम्पल अग्नि मंदिर के अंदर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर राम धुन आज बज रही होगी, जो महामंत्र का आया था संगीत यात्रा का बज रहा होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रांगण होता है गाइस, सामने मतलब भगवान जी का मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर मंदिर, चलिए आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। इस्कॉन मंदिर मतलब अंग्रेज मंदिर के दर्शन कर लिए होंगे, देख रहा हूँ कितना सुंदर दृश्य है गाइस, आज तक आपने कभी इतने सुंदर मूर्ति नहीं देखी, मेरा मानना है कि मैंने इतने सुंदर मूर्ति कभी नहीं देखी, इतने सुंदर मंदिर कभी नहीं देखा। तो गाइस यहाँ पर जरूर विजिट करें, वृंदावन में ही है मथुरा के अंदर। और गाइस हमेशा आप यहाँ पर आएँ श्रद्धा अनुसार बंसी वाले के नाम लें, बोलें राधे राधे। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि जैसे ही आप इस्कॉन मंदिर के अंदर आते हैं आपको जूते रखने की उत्तम व्यवस्था, बैग रखने की उत्तम व्यवस्था और खिचड़ी की प्योर घी की खिचड़ी मिलती है गाइस आपको यहाँ पर, बहुत आप उसे खाकर आनंदमय हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये खिचड़ी जरूर खाएं, मेरा ओपिनियन है कि आपको शेयर करें। चलिए गाइस दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ के फेमस लस्सी पीने के लिए, अभी हम पियेंगे स्वीट लस्सी। बनाइए यहाँ पर अंकल को 30 साल यहाँ पर, देखिए अंकल पूरी लस्सी बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। चीज़ डाल रहे हैं बहुत बहुत प्रकार की, ये मात्र है 40 रुपए की, भाई देखिए देखने में तो कितनी बढ़िया लग रही है, खास कर उससे नहीं लगती है। भाई बहुत टेस्टी है अंकल जी, मज़ा आ गया भाई, मैं जब भी आएँ लस्सी पी के जरूर जाएँ। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं आपको जैक्सन, जय हिंद जय भारत, राधे राधे।